आज हम लोग बात करेंगे सिद्धि साधना को लेकर। जब आप सिद्धि साधना करते हो तो आपको क्या अनुभव होते हैं और क्या आपकी लाइफ में बदलाव आता है, और देवी देवता जब आपको सिद्धियां मिल जाती है तो आपकी परीक्षाएं कैसे लेते हैं। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ अपने खुद से भी रिलेटेड लेके आया हूँ। जब मैंने सिद्धि साधना की थी तो मुझे कैसे एक्सपीरियंस हुए थे, जब मुझे बालाजी के दर्शन हुए थे तो किस रूप में मुझे दर्शन हुए थे और कैसे दर्शन हुए थे, सारे आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप जब भी सीधी साधना में बैठते हो तो क्या आप गलतियां करते हो जो आप सफल नहीं हो पाते, वो सारी चीज मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना कि जब भी कोई शक्ति आपको मिलती है वो परीक्षा जरूर लेती है, जब आपके पास आती है, जब आपके सारी चीज करती है तो किस तरीके से परीक्षा लेती है, क्या चीज नियमों का आपको पालन करना, क्या आपको चाहिए। सिद्धि किसी भी देवी देवता की क्यों ना हो, आप माँ काली की सिद्धि कर रहे हो, भैरव बाबा की कर रहे हो, या फिर आप बालाजी महाराज की कर रहे हो, गोगा जाजवीर की, या फिर आप गुरु गोरखनाथ, आप जो भी आपके कुल देवता है, इस देवता उनके, आप किसी की भी सिद्धि कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो परीक्षा लेगी जब आपके पास आएगी। समय आपको पहचानने का कि आपकी परीक्षा चल रही है या आप रियल लाइफ में परेशान चल रहे हो। तो आज सारा अनुभव मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा, मैं कहीं से आपको बताऊंगा नहीं, किसी और का अनुभव नहीं, मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर करूंगा। अब अपना दरबार चल रहा है इनके आशीर्वाद से, अपने गुरु माँ के आशीर्वाद से सबका दरबार चल रहा है। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए ना भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिनमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी कर सके, जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने से पीने तक काम इंतजाम कर सके। इसमें आपका एक सहयोग चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, उनका भला हो सके, उनके भी बंद दरवाजे खुल सके। और भाई साथ में अगर आप बेल आइकन को भी दबाते हैं तो जब जब हम लाइव आएंगे तो लाइव में आप हमसे जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान आदि को बंधन, कार्य बंधन, बिजनेस बंधन, कोई भी तरह की समस्या क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों तरफ स्क्रीन पे है भाई, अगर आपकी कॉल ना उठा पाए तो आप हमें व्हाट्सएप छोड़ दिया करो, आपकी कॉल का जल्दी से जल्दी रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, क्योंकि कॉल को हम किसी को भी इग्नोर नहीं करते। जितनी भी कॉल आती है उन पे बैक टाइम टू टाइम कॉल होती है भाई जी, या फिर व्हाट्सएप पे उनसे बात हो जाती है, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफी अच्छी होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके बंद दरवाजे को खोलने के लिए आज की वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, जब भी आपको एक चीज बारीकी से समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। आज मैं सबसे पहले तो आपको अनुभव बताऊंगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक जब आपको अनुभव होते हैं ना, जब आपको सिद्धि साधना में बैठते हो या फिर आप पूजा पाठ करने लग जाते हो, तो आपका पूजा से उठ के भागने का मन करता है, गुस्सा आपको चढ़ता है कि मैं सारी चीजों को छोड़ दूं, मेरे पर पूजा बस की नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, गाली देते हो, किसी को घर में लड़ाई झगड़ा होता है। पर जब आप सिद्धि साधना करते हो ना, इसका अपोजिट होता है। उस समय सिद्धि साधना के समय आपकी परीक्षाएं चलती है, आप कितने लंगोट के पक्के हो उसका वो करता, आप कितने आंखों के कच्चे हो उसकी परीक्षाएं चलती है, आप कितने अपने बाल ब्रह्मचारी का नियम का पालन करते हो उसकी परीक्षाएं चलती है। मान के चलिए आज आप सिद्धि में बैठ गए, सिद्धि पे बैठने के बाद आपकी सारी चीज, जैसे ही आप सिद्धि पे बैठते हो, आपका जो आपने 41 दिन की सिद्धियां उठाई या 21 दिन की सिद्धियां उठाई या 11 दिन की सिद्धियां उठाई, जितने भी दिन की आपने सिद्धियां उठाई, उस सिद्धि के दौरान आपके मन में जो ख्याल आएंगे ना, मैं आज खुल के बात करूंगा, कोई आपको घबरा के या कोई भी वो नहीं कहूंगा कि भाई कोई चीज बोलने की नहीं है, क्योंकि आप भी सिद्धि पे बैठते हो। कई बंदों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि हमारे साथ ये हो या ना हो, क्या हम ठीक कर रहे हैं क्या हम गलत कर रहे हैं, तो मैं आज सारा आपको पर्सनली अनुभव आपको बताऊंगा और सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। जब आप कोई सिद्धि करते हो, साधना करते हो, किसी भी आप देवी देवता को मनाने की कोशिश करते हो, जब वो आपके पास आते हैं तो वो आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा किस उसमें लेते हैं, आपके जो मन में है, जिस टाइम आप पूजा कर रहे हो, ऑटोमेटिक आपके मन में ना गलत ख्याल आने लग जाएंगे, कभी किसी के कभी किसी के, क्योंकि बात क्या ना, जब आप सकारात्मक शक्ति को बुलाते हो ना, तो उस समय नकारात्मक शक्ति ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, वो आपकी तरफ आने लग जाती है, आपकी सिद्धि साधना को भंग करने लग जाती है कि एक भगत और पैदा ना हो, एक घर का और कल्याण ना हो, आपके घर में भी थोड़ी बहुत नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो भी आपके पास आने लग जाती है, आपको उल्टा सीधा दिखाने लग जाती है, हर चीज का आपको उल्टा सीधा काम करने लग जाती है। पर अब जो बात मैं बताऊं ना, ये सारी सिद्धि साधना से अनुभव लेके है, आपकी परीक्षा कैसे होगी, अब मेरी बात सुनना। आप अपने घर में मंदिर में जाप कर रहे हो, आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, आपको आपकी पर्सनल लाइफ भी है, सारी चीज है भाई, रात के आपकी पर्सनल लाइफ जब आप जीतते हो, वो सीन आपकी आंखों के सामने घूमने लग जाएंगे। आप अपने मंत्र जाप कर रहे हो, सारी चीज कर रहा हूं, वो सीन आपकी आंखों के साथ बार बार आप होंगे, तो मंत्र जाप कर रहा हूं, ये हो क्या रहा मेरे साथ, ये किसी दूसरे के साथ अनुभव नहीं होगा, ये आपकी पर्सनल लाइफ के साथ ही अनुभव होगा। आप आंखें करोगे, आप चौक जाओगे, पर आपको क्या करना ना, आपके मन का जितना पाप है ना, जितना आपके मन में गलत विचार है, सारी चीजें, सिद्धियां जब आती है ना, आपने देखा होगा हम सिद्धियां करते हैं तो हमें डर लगना बंद हो जाता है, हमें ऐसे ऐसे चीजें अनुभव होती है कि हमारे शरीर से डर नाम की चीज ही खत्म हो जाती है, कि डर है या नहीं है आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है।
फिर आपके ये गलत, पहले तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है आपके मन को शुद्ध करना। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है उसके बाद बाहर से आपका मन शुद्ध करना, आपके मन से गलत विचार निकालना, गलत भावना निकालना, गलत विचार निकालना। आपने देखा होगा आज के समय में भगत कई तरह के भाई जो कामयाब भगत नहीं है, मैंने काफी केस देखे हैं, भगत ही भाई जो उनके दरबार में आते हैं उनके साथ गलत हरकत कर देते हैं और भाई जी बड़ा गया पाप का घर, अभी जो अपने घर में ना होकर बार मुंह मारा है तो देवी देवता से क्या जवाब देगा, पता नहीं क्या भूतड़े ने जिंद ने लेकर बैठा है, उनकी तो परीक्षा होती नहीं भाई। मैं आपको सीधी बता दूं, जो गलत कार्य करते हैं ना उनके साथ गलती होता, लास्ट में उनका अंत भी बुरा ही होता भाई जी। जिसने कभी किसी लेडीज जो उसके दरबार में आ रही उसी की तरफ गलत आंखें उठा दी, उसी की तरफ गलत विचार करके भावना लेके बैठ गया और उसी की तरफ होकर गया, तो उनका भला कभी नहीं हो सकता, उनका अंत बिल्कुल बुरा होता है। उनको भाई आपने देखा हो कई भगतों को भाई ऐसे हो गया कि नाक टूट गई, किसी का भाई खून की उल्टी आकर मरा, हर किसी का कीड़े पड़कर मरा, किसी का कुछ हो गया, तो वही भगत है भाई जी जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी दरबार वाले के साथ गलत किया होगा, शारीरिक संबंध से गलत किया होगा। गलत क्या होता है, गलत कई तरह के होते हैं भाई जी। एक होता है कि उसके भले के लिए गलत किया गया, वो गलत नहीं, एक होता है भाई जी कि उसके लिए गलत किया गया कि उसको ये पता, ऐसे शारीरिक संबंध में गलत किया गया, जैसे कि आप पागल बना वशीकरण हो जाता भाई आज के टाइम में, किसी को भी वशीकरण करके अपने भूत करके जैसे उसको चलाते ना वैसे वो चलने लग जाते, कई ऐसे दरबार है कई ऐसे कर रहे हैं भाई, हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। हमारी टॉपिक था आज का कि आपको अनुभव कैसे होते हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले देवी देवता, जब आपको एक अच्छी शक्ति मिलनी होती है ना, एक अच्छी शक्ति जब आपके पास आती है, शक्तियां बहुत है भाई जी, शक्तियों की वजह से है ना पोस्ट होती है, मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट के हिसाब से शक्ति आती है। आपने देखा हो ना आप पुलिस थाने में जाते हो, पुलिस दरबार में जब आप जाते हो तो पुलिस के थाने में जाते हो तो कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, फिर SI, फिर इंस्पेक्टर, फिर SHO, इस तरीके से पोस्ट, ऐसी शक्तियों में होती है भाई जी। शक्ति एक ग्रामीण देवता की, एक ग्रामीण देवता के दूत हो गए, आपके गाँव में एक मंदिर है बालाजी का, वहां से दूत आ गया, आपके गाँव के माँ काली का, वहां से आपको कोई शक्ति प्राप्त होगी। एक उच्चा है सिद्धपीठ शक्ति, शक्तियों को आना, वो धीरे धीरे कर्म मिलकर एक आपकी पोस्ट होती है। आपके पास जो भी शक्ति आएगी, या कितने भी आज के टाइम में दरबार लगा रहे हैं या जिन्होंने स्टार्टिंग कर रखी है, आज के टाइम आप देख रहे हो कि कैसे चल रहे हो क्या नहीं, तो जब उनकी दरबार में पोस्ट लगी थी तो वो एक हैंड पोस्टेबल बनके पोस्ट लगी थी, वो प्रमोशन पा पाके उस लेवल तक गए कि वो आज SHO हो रहे हैं, दरबार में जाती संकट कट रहा है, दरबार में आती कल्याण हो रहा है, दरबार में आते उनका जगत कल्याण हो रहा कर रहे हैं भाई दुनिया का। तो उन्होंने वो मेहनत की है, वो पढ़ाई की है, पढ़ाई करके उस पोस्ट तक गए, उन्होंने पेपर एग्जाम पास किया है। हमारे जो रियल लाइफ का एग्जाम होता है वो हम पेपर दे के आते हैं, इसमें जो होता है सिद्धि साधना मंत्र जाप होती है, तपस्या होती है, आप कितनी तपस्या करते हो, कितने समय तक आप जाते हो, उन तपस्याओं के बीच में जो आपकी परीक्षा होती है ना, परीक्षा नंबर वन, सबसे पहले आपके मन को चेक किया जाएगा कि आपके मन के अंदर कितने गलत विचार है, कितने ठीक विचार है। जब आप सिद्धि साधना में बैठे रहोगे, सारी चीज का बैठे रहोगे, तो आपके मन के अंदर गलत विचार आने लग जाएंगे। आप अपने मन को किस तरीके से शांत करते हो कि वो आपका क्या है क्या नहीं, आपको किस तरीके से समझाते हो किस तरीके से नहीं, अगर उस समय आप अपने मन को समझा के देवी देवता से कोई माफी मांग के कि ये क्या विचार आ रहे, मेरी परीक्षा इस तरीके की ना लो, तो उसके बाद आप पास की लेवल पर चले जाते हो और आप ये सोचते हो मेरे मन में तो गलत विचार आने लगे, मैं तो पूजा करने के लिए बैठा था, मैं तो भक्ति करने के लिए बैठा था, माँ बाबा को करें, क्योंकि माँ बाबा जब भी किसी देवी देवता का शक्ति आपके पास आएगी तो वो आपके चरित्र को शुद्ध करेगी। पहले जिस भगत का चरित्र ही शुद्ध नहीं है ना तो वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता, उसको सिद्धियां नहीं मिल सकती। पहला बात तो ये सुन लीजिए भाई, आप सोचते हो आपने आज मंत्र जाप किया, भाई मैंने 41 दिन का मंत्र जाप किया, मुझे तो सपने में गलत आने लग गया, और मुझे तो भाई पूजा बैठता हूँ गलत विचार आने लग गए, मुझे तो आज पड़ोस मेरे दोस्त सारी चीज गलत विचार, तो इन चीजों को सबको त्याग आपने करना होगा भाई। आप अपने आप को देवी देवता को समर्पण कर दो, मेरी इस तरीके की परीक्षा मत लो, मैं इस तरीके का नहीं हूं, जिस तरीके से आप चलाओगे मैं उस तरीके से चलूंगा, मेरे अंदर के जो अशुद्ध विचार है उनको बाहर निकालो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आप उस लेवल को पार कर जाओगे। आप जितना मंत्र जाप करोगे, जितनी आप सिद्धि करोगे, मंत्र जाप की शक्ति ही क्या ना, कई बार क्या होता है आपके अंदर गलत विचार आपके माइंड में ना जुड़ जाते हैं, वो आप चाहते भी नहीं ना वो विचार आने लग जाते, क्योंकि आप आजकल का फोन का जमाना है, स्क्रॉल करते रहो, दो या तीन पोस्ट हो गए, चौथी पोस्ट ऐसी आई जाती है कि हमारी आंखें ना वो चीज देखती देखती है। आजकल फिल्में भी ऐसी आ गई भाई, हर तरह का आपका वातावरण ऐसा हो गया, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो वो वातावरण ऐसा हो गया, तो उस वातावरण के चलते ना वो अशुद्धि जो है वो मन में एक छवि बन गई है, उस छवि को निकालती है वो शक्ति, वो देवी देवता की शक्ति जो आपके पास आ रही है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। पर कई बंदे क्या करते हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ने लग जाती है ना एक भगत में और एक देवता में, जब वो कनेक्टिविटी बढ़ती है, बॉन्ड बनने लगता है, तो कई वहीं पे आके डगमगा जाते हैं, हमारे क्या हम तो पूजा कर रहे हैं, कभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, कभी हमारे घर में भूत तो नहीं है, जो मुझे गलत विचार आने लग जाते हैं, उस कनेक्टिविटी को छोड़ देते हैं, जाप बंद कर देते हैं, जिससे वो दूरी दोबारा बन जाती है, उनको सफलता नहीं मिलती। पहला कारण तो ये सुन लो भाई जी, नकारात्मक ऊर्जा जब घर में होती है ना आपके, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके वजन टूटना, उनकी निशानी अलग है, जब परीक्षाएं चलती है तो उनकी निशानी अलग है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाते हो तो आपको अनुभव होने लग जाता है भाई जी,
कि आप पूजा कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, फिर आपका आता डर। जब आपको सिद्धियां मिलती है तो आपका वो निकालती है डर को, आपके अंदर का जितना डर है उसको साइड कर देती है कि आपको भाई डरना नहीं है, मौत एक जीवन का सत्य है, ये मौत सभी को आनी है। जो हमारे को शक्तियां मिल रही है उनके भी भाई शरीर त्याग हुआ था, वो भी पहले भगत थे, उनका शरीर त्याग हो गया, जो माँ बाबा के सेवक है और वो आपके घर का कल्याण कर रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट हो, हमारे घर का कल्याण कर रहे हैं, जो हमसे कनेक्ट है भाई जी, तो वो निकालते हैं आपके अंदर का डर। अगर डर, अगर कोई भगत भक्ति कर रहा है उसके अंदर डर रह गया तो उसके बच की भक्ति करनी नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव आपकी है ना जीवन लाइफ से बिल्कुल परे होता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भाई, हम वो हो गए थे, हम तो डर गए थे, उस डर से भी भयानक होता है भाई जी। आप रेल जा रहे हो, कहीं आपने रेल पलटी देख ली, उससे भी भयानक इसका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि भाई जब आप कोई भी जाप करते हो ना, आपकी धीरे 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 नेत्र दृष्टि जो है वो खुलने लग जाती है, वो पूरी तरीके से जब खुलती है, जब आप उस डर पे है ना काबू पा लेते हो, आपका डर नाम का शब्द आपके जीवन से खत्म हो जाता है। जब आपकी नेत्र दृष्टि खुलती है, जब आप दूसरे के बारे में देख के बता सकते हो क्या है क्या नहीं, इसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं, जिस दिन आपका डर खत्म हो जाता है उस दिन आपकी नेत्र दृष्टि, जो आप कहते हैं ना हमारा आज्ञा चक्र है जो बिल्कुल सर के यहाँ पे आके खत्म होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जो एक सांप की तरह होती है, कुंडली मार के पेट के अंदर बैठी रहती है, वो धीरे धीरे उठती है और आज्ञा चक्र से आगे शीर्ष चक्र तक जाती है भाई, इसी वहां पे जाकर वो बिल्कुल विराजमान हो जाती है। उस समय जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आप भूत भविष्य वर्तमान सारी चीज आप देख सकते हो, भविष्य में भी जा सकते हो, वर्तमान में भी जा सकते हो। आपने यहां तक की है ना, जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, जब आपके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो आपके पास्ट में आपने जो गलतियां कर रखी, जो पाप कर रखे ना, तो आप अपनी आत्मा की कनेक्टिविटी से ना उस पाप को भी धो सकते हो भाई जी। इतनी शक्ति है योग में, इतनी शक्ति है मंत्र जाप में। आप मान के चलो आज के टाइम में आपने पीछे भाई किसी का दिल दुखाया था, दिल दुखा के बैठे हो आप, सारी चीजें करके बैठे हो, उसका आपको पश्चाताप है। पहली बात तो आपको पश्चाताप होना जरूरी है। जब आप ध्यान में जाओगे, ध्यान में उसी समय में आप जा सकते हो जिस समय आपने वो गलती की थी, वहां पे जाके अपने ध्यान के माध्यम से उस आत्मा से कनेक्ट हो सकते हो जिसका आपने दिल दुखाया था, उस आत्मा से कनेक्ट होकर आप माफी मांग के आ सकते हो, माफी मांग के आप अपने ध्यान के माध्यम से उल्टे आ सकते हो और आपका जीवन वहां से जो आपकी गलती हुई थी, थोड़ा पाप आपके उसमें लगा सारी, उसको सुधार सकते हो भाई जी। पर इन चीजों के लिए आपको भगवान से, अपने देवी देवताओं से कनेक्ट होना पड़ेगा, डर का सामना करना सीखना पड़ेगा। मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता देता हूं भाई, जब मेरे को सिद्धू में सिद्धियां होती, मेरा आज्ञा चक्र जागृत होने लग गया, सारी चीज होने लगी थी, तो मैं ड्राइव करके ज्यादा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सारी चीज का होता, तो मेरे को जो चीजें सीन हुई ना, मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के सामने भ्रम राक्षस, जिसके भाई जी दांत इतने बड़ा शरीर उसका काफी बड़ा शरीर था, मेरी गाड़ी के सामने आके खड़ा हुआ भाई, बिल्कुल मेरे गाड़ी उसके अंदर से गई, मतलब मेरी गाड़ी जो थी मेरे बिल्कुल आग से, इसका लाइव एग्जांपल है ना, मेरी वाइफ भी है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से फोन पे बात कर रहा था और मैं अपनी वाइफ को ही लेने जा रहा था मुजफ्फरनगर, मैंने काफी वीडियो में भी बताया अपनी पहले की में भी, तो एक नहर के किनारे मैं चल रहा था, नहर के किनारे बिल्कुल सुनसान रास्ता, कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया था। मेरा रास्ता जहां एक घंटे का रास्ता था, मैंने भाई डर मेरे को भी लगा था, ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता है, पर धीरे धीरे आपका डर निकलने लग जाता है, यही आपका डर का काबू करने की चीज होती है। तो वो मुझे लगा एक घंटे का रास्ता मैंने 20 से 25 मिनट में कवर कर दिया, इतनी स्पीडली मैं गाड़ी ले गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। कुछ चीज ऐसी दिखी, जब आपको चीजें दिखने लग जाती है ना, तो आप अपने आप पे काबू नहीं पाते, आप डर जाते हो, क्योंकि पहली बार आपको कुछ चीज दिखी है इसी तरह के लाइव, आप देख रहे हो कि भाई राक्षस क्या होते हैं, भूत क्या होते हैं, प्रेत क्या होते हैं, चुड़ैले क्या होते हैं, आपको लाइव आंखों से दिखने लग जाती है। फिर आपको क्या होता है भाई, धीरे धीरे आंखों से दिखना शुरू होंगे, आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा, आपको नेगेटिव जरूर दिखेगा, पर भाई आपको भाई किसके साथ क्या देवी देवता चल रही है मुझे दिख जाए, वो दिख जाए, ये नहीं दिखेगा, पर हाँ नेगेटिव को होगा वो धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, आप मंत्र जाप करने लग जाओगे। जब आज से 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने सिद्धिया की सारी जी, मैं मंत्र जाप करता था ना, पूरे घर में भाई कहीं चूहों का नाम नहीं था और आगे चूहे ऐसे आते थे भाई पैर पे कूद गए, और मैं एकदम से भी धक्के होता था, मैं हो क्या गया, पूरे चूहे ऐसे हो गए थे भाई, चूहे बिल्कुल वो रखा, और कहीं घर में चूहा नहीं, और चूहा आके भाग गया, उसके दिन के बाद मिलते भी नहीं थे भाई। जब मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, एक दिन तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, माला का जाप कर रहा, माला का जाप करते करते ऐसा लगा पैंट में कुछ बट गया भाई जी, और कुछ भी पैंट में नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, एकदम से भिदक के पड़ा, क्योंकि फिर उसकी ना फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। आप भी कहोगे भाई मैं तो अपनी पूजा कर रहा हूँ, अपना जाप कर रहा हूँ, सारी चीज कर रहा हूँ, इस जाप के दौरान आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप ये सोचो कि भाई मैं जाप कर रहा हूँ मुझे तो दिक्कत हो गई, मुझे कुछ कुछ दिखने लग गया, मुझे तो ये हो गया, मैं तो बीमार होने लग गया। एक चीज आपको बता देता हूँ, जब आप सारे लेवल पार करते चले जाते हो ना, तो आपके शरीर में पेन होना अनिवार्य है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में दर्द बनना शुरू हो जाएगा, वो कुछ समय का दर्द रहेगा, जब तक आप गुरु एक शिष्य नहीं होते, और गुरु बनने के बाद भी आप जब जब कोई सिद्धि करते हो, कोई साधना करते हो, साधना के दौरान भी आपके शरीर में पेन होना अनिवार्य है, वो होगा भाई, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आएगी वो अपनी जगह शरीर में बनाती है भाई जी। कोई शक्ति आपके कंधों में बैठ जाती है, कोई छाती के अंदर बैठ जाती है, कोई कमर पे बैठ जाती है, वो अपनी जगह बनाती ना, तो उस जगह पे ऐसा पेन होने लग जाता है, पता नहीं कितना फाट के वो हो गया भाई जी, आपको इतना पेन आपको वो होने लग जाता है, तनाव ऐसा हो जाता है आपके सर में, बीच के आज्ञा चक्र में ऐसा खिंचाव हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि आपके कमर पे किसी ने हाथ फेरा, कोई कीड़ी आपके कमर पे चल रही है, कान
और जब आपका एक आज्ञा चक्र अच्छी तरीके से जागृत होता है ना, आप बिल्कुल ध्यान में हो जाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपके कन के कान के अंदर शंख की आवाज, ढोल की आवाज, नगाड़ों की आवाज ऐसे आने लग जाती है कि किसी मंदिर से, जिस मंदिर से आपकी शक्ति चली है उस मंदिर से आप कनेक्टिविटी हो जाती है कि आपको सारी चीजें सुनाई देने लग जाती है, सारी चीज आपको कनेक्टिविटी जुड़ के आपके साथ चलने लग जाती है। अब बात करते हैं जब मेरे को बालाजी महाराज जी ने दर्शन दिए थे, तो मैं उस समय भाई सारी चीजों को अपने गुरु माँ के आशीर्वाद से सारी चीज करके मैं अपना हो गया था, उनके आशीर्वाद से दरबार भी चल रहा है मेरे गुरु माँ के, और अपने देवी देवताओं के नाम से अपने पितर कुल देवी कुल देवता और अपने इस देव और अपने दोनों पे से दरबार भी चल रहा है भाई। आज ये टाइम है बिल्कुल अच्छा दरबार है भाई जी, आप लोगों के प्यार से आशीर्वाद से धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो जब मुझे बालाजी महाराज जी ने दर्शन दिए थे भाई जी, वो समय बिल्कुल अलग ही था भाई। उस समय मैं मंत्र जाप पे बैठा हुआ था, मेरी माला कंप्लीट हुई थी, मेरी माला कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर पे ही सिद्धि साधना कर रहा था, साधना को कर रहा था। और आप ये मैं ना भाई रूप नहीं बता दूंगा, सारी चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे दिखा था सारी चीज का क्या रहा क्या नहीं, पर मैं एक अनुभव आपको बता रहा हूँ किस रूप में दर्शन दिए थे किस रूप में नहीं, क्योंकि ये चीज है ना कई यूट्यूब वाले हैं ना, मैंने देखी है वीडियो, वो आप शेयर कर देते हैं कि मुझे तो इस रूप में दर्शन दिए, मुझे तो इस रूप में दर्शन दिए, मुझे तो इस रूप में दर्शन दिए कि ऐसे दिए। मैं रंग रूप नहीं बताऊंगा भाई जी, मैंने ये बताता हूँ कि हाँ दर्शन हुए थे इस रूप में नहीं हुए, क्योंकि वो चीज है ना फिर एक होती है ना कि आपने शेयर कर दी क्या रूप दिखा था क्या नहीं, और क्योंकि रूप है ना वो रूप दिखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वो रूप बता दिया तो भाई बार बार वो दिखेना बंद हो जाता है, आप जब गाने लग जाते हो ना वो चीजें धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो मेरे जितने भी यूट्यूबर सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो जब उनको दर्शन हो ना वो ये बताया करो भाई किसी को, हाँ मुझे बालाजी के दर्शन हुए, किस रूप में दर्शन हुए, क्या बात हुई आपकी क्या नहीं हुई, वो चीजें आप किसी के सामने शेयर मत करो। हाँ ये बता दो भाई मुझे तो दर्शन हो रखे हैं, मुझे लाइव आके मैं बताता हूँ, मुझे खुली आंखों से दर्शन हुए थे भाई, मेरे सामने प्रकट हो गए थे, मेरे घर के अंदर दरबार के अंदर प्रकट हो गए थे, ज्योत थी जो मेरी बिल्कुल जहां ज्योत थी मेरी नॉर्मल चली थी वो बिल्कुल खिलमिला उठी थी ज्योत मेरी, बिल्कुल मेरी लाइव आंखों के सामने मेरा वो एक्सपीरियंस था भाई 10 से 15 सेकंड का, खाली एक्सपीरियंस रहा मेरा 10 से 15 सेकंड का, मेरे रोंग रोंग खड़े हो गए थे भाई जी जब मुझे दर्शन हुए थे, बिल्कुल मेरी प्रकट मेरी आंखों के सामने आगे बालाजी महाराज खड़े हो गए थे। पर ये कहते ना कि भाई जब आप मांगने की होती है आपको दर्शन होगा आप सिद्धि करो, कभी मेरे को हो गया तो मैं ये मांग लूंगा और मैं ये मांग लूंगा, मैं तो ये कहूंगा बाबा मुझे ये दे दो और बाबा मुझे ये दे दो, जब भगवान आपके सामने प्रकट होते ना तो आपकी बोलती भी नहीं निकलती, आप देखते रह जाते हो आपके साथ हुआ क्या। वो एक्सपीरियंस है ना किसी भी भगत और किसी भी साधक से आप पूछ लेना, जितने इस दुनिया में भगत हुए कितना भी, वो एक्सपीरियंस 10 से 15 सेकंड का ही रहता भाई जी, 10 से 15 सेकंड का ही रहता वो एक्सपीरियंस, ज्यादा से ज्यादा भाई 10 सेकंड या 15 सेकंड, इससे ज्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा जब आपको दर्शन होंगे, क्योंकि भाई वो 10 से 15 सेकंड का समय ऐसा निहारने में निकल जाता भाई, हाँ आपको कुछ मिला। वो चीज होने के बाद मैंने अपने गुरु को बताई सारी चीज बताई, मेरे गुरु बोले भाई आपको पैरों में क्यों नहीं पड़े, मैं कुछ बात समझ नहीं आई क्या करना क्या नहीं, बस निहारने में हम लगे रहे, उसके बाद भाई सपने में भी दर्शन हुई और क्या बातें हुई क्या नहीं, वो चीज अलग है, वो चीज मैंने आपको पहले बताई, वो शेयर करने के लिए रूप में आपको बता नहीं सकता क्या क्या नहीं, क्योंकि जो आप फोटो में बालाजी महाराज जी को देखते हो ना इससे बिल्कुल अलग रूप है वो, इससे बिल्कुल यूनिक रूप है भाई जी उनकी शक्ति का, जो आप दरबार में देखते हो आपने देखते हो इनका बिल्कुल यूनिक ही रूप है वानर जैसे ही सारी चीज का, ऊपर बिल्कुल यूनिक रूप है वो, रूप मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, वरना शेयर जरूर करता, जब आप अपनी सिद्धि करोगे ना आप अपना एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि आपको किस चीज के दर्शन हुए हैं कैसे हुए हैं। बालाजी महाराज जो फोटो में आप देखते हो वैसे है या फिर जो आपको दर्शन हुए वैसे है, क्योंकि कलयुग के अवतारी है आप कलयुग में इनकी जितनी पूजा करोगे ना उतना ही आपका सुरक्षा चक्र बढ़ेगा, उतना ही आपका आज्ञा चक्र खुलेगा, उतना ही जल्दी आप एक मुक्ति को पा सकते हो, शरीर त्याग करके आप जीवन मरण के मृत्यु से भी मुक्ति पा सकते हो भाई जी। मैं बता नहीं सकता उस समय की वो कल्पना सारी चीज का क्या मुझे क्या एक्सपीरियंस है, हमारी तो बोलती बंद हो गई, 15 सेकंड तक मैं नहीं आता था सारी चीज का एकदम से गायब, वो एक्सपीरियंस ऐसा था भाई जी, वो एक्सपीरियंस मैंने घर पे ही बताया सारी चीज का बताया, वो घर पे एक एनर्जी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई उस टाइम कि जितना भी कुछ है ना सब कुछ बाहर भाई साहब सारी चीज का होता है, जब बालाजी महाराज जी आते ना जहां विराजमान हो जाते हैं तो भाई बस बताने की नहीं है वो चीजें क्या क्या उस टाइम में फील हुआ था। तो मैं यही करता हूं भाई, यही आपको कहता हूं, अगर आप भक्ति सच्चे मन से करते हो ना, साधना सच्चे मन से करते हो तो आप पार लगोगे। सबसे पहले आपको अपना चरित्र साफ करना होगा, चरित्र भाई साफ कैसे करना होगा कि घर में आपकी वाइफ शादीशुदा हो तो उसके अलावा जो भी आप लेडीज देख रहे हो वो आपकी बहन की नजर से देखना चाहिए। अगर आपके मन में गलत विचार भी आना है तो ये मेरी बहन है, क्योंकि जब आप सिद्धि साधना करोगे जिसको आप बहन भी बोलते होंगे उसके लिए भी गलत ख्याल आ सकते हैं आपके मन में, मैं सिद्धि बताता हूँ भाई जी, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके होते हैं, आपकी परीक्षाएं चलती है उस समय कि आप परीक्षा कर रहे हो, आप भगवान आपकी परीक्षा, ये कितना अपने चरित्र पे खड़ा है। जिस दिन आपका चरित्र साफ हो गया, डर आपका मन से निकल गया, तो उस समय आपको एक उस दिन आपको एक अच्छा भगत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज के समय भगत बैठे भाई सारी चीज का बैठे है,
सिद्धि कर लेते, साधना कोई करता नहीं भाई जी, कहीं ने 21 साधना ले ली, क्या 1000 रुपए दे के भाई मैं साधना लिया, कोई 21000 रुपए दे के, मेरे सामने काफी कहू आए कि मैंने 21000 रुपए दे के साधना ली, क्या भाई साधना में समय भी लगता है, मंत्र जाप भी लगता है, और आप गए सीधा दरबार में, भाई आपके 51000 रुपए दिए और आपके शरीर पे सवारी खेल गई, ऐसे भाई दूत नहीं मिलती, ऐसी शक्तियां नहीं मिलती आपके अंदर, जिंद को छोड़ दिया जाता है, जो कि 52 रूपी जिंद होता है वो रूप बदल के आपके काम करता है। आप बोले बालाजी महाराज को दूत लिया है, मैं तो भैरव बाबा का दूत लिया, वो खेलता रहता है आपके शरीर में, बताता रहता है मैं तो भैरव बाबा हूं, मैं तो महाकाली हूं, मैं तो जिस तरीके से चलाऊंगे भोग प्रसाद लेता रहता है उनका, क्या वो 51000 रुपए लेके चले गए भाई जी, और आपके साथ भूत प्रेत आ गए, भाई ये कौन सा लिया, मैं वो कहेगा भाई कि जी भगत के पास गए होंगे, आपके पास भूत आ गया, समस्या तो आप खुद ही लेके आ गए थे भाई। तो मेहनत करो, जाप करो, अपने चरित्र को साफ करो, और जो ये जो जींद वगैरह जो सारी चीजें होती है, इनसे कार्य लेते हैं, लियाते हैं माँ बाबा के रूप में, इनके साथ बहुत वो होता है भाई, बुरे सपने हर किसी को, ये होता है कि इसको भी पकड़ ले, इसको भी पकड़ ले, इसको भी पकड़ ले, तो ये चीजें भाई आपके जब एक्सपीरियंस फील नहीं होगा, जब आप एक अच्छे कार्य में एक अच्छी शक्तियों के साथ कार्य करोगे ना, तो आपकी सफलता भी होगी, आपको भाई दर्शन भी होंगे, कौन कहता है दर्शन नहीं होते, हमारा खुद का अनुभव है, हमने खुद दर्शन करके खुली आंखों से, मैंने आज तक ये चीज आपके सामने शेयर नहीं करी, आज से भाई काफी टाइम पहले मैंने दर्शन किए, अब भी हमें दर्शन होते हैं, पर वो जो वो दर्शन थे ना वो आज तक मुझे दोबारा दर्शन नहीं हुए, और हुए थे तो 2-3 बार सपने में, उसी दिन के कंटिन्यू सीधे में मुझे दर्शन हुए थे, आप मांगने में सपने में आपसे बात भी हुई थी, पर रियल लाइफ में जब प्रकट हुए थे ना, जब कोई बात नहीं हुई थी भाई, बस देखते नहीं आते ही रह गए थे। तो भाई आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना, मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करूंगा तो अच्छी अच्छी नई नई जानकारी आपके सामने लेके आता रहूंगा, एक से एक साधनाएं आपके सामने लेके आता रहूंगा, साधनाएं डालना जब शुरू करूंगा, जब भाई चैनल पे 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद साधना किस तरीके से करनी चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए, किस तरीके से संकल्प होगा, किस तरीके से आपको भोग प्रसाद रखना है, आपको क्या मंत्र सिद्ध करने चाहिए, किस चीज से आपकी सफलता मिलेगी, किस चीज से आपके काम धंधे खुलेंगे, सारी चीजों का मैं आपको ज्ञान देना शुरू करूंगा। तो वीडियो को शेयर करूंगे, जितना जल्दी आप सब्सक्राइबर कराऊंगे, जितना जल्दी आप लोगों तक फैलाऊंगे वीडियो को, उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आता रहूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, जब भी लाइव आऊंगा आप अपनी समस्या का समाधान भी हमसे ले सकते हैं, मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।